हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं किस वजह से देख रहे हैं। तो गाइस, बात ऐसी है, दिल्ली में आपको पता ही है अभी कोविड का क्राइसिस चल रहा है, कोविड सिचुएशन कितनी ज़्यादा हाइक पे है। तो इसीलिए फाइनली मैं गाँव आ चुका हूँ और ये जो आप यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये मेरे गाँव में बगीचे का गार्डन का बैकग्राउंड है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस, फाइनली मैं गाँव आ चुका हूँ और गाँव से आपको कुछ दिनों तक ऐसे बैकग्राउंड के साथ वीडियो देखने को मिलेगी। तो आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं जो कि आपने थंबनेल में देखा है। तो गाइस, बात ऐसी है कि दिल्ली में अभी क्या है, वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। 1 मई से 18 साल से लेकर जितने भी ऊपर के लोग हैं सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में जब 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे वैक्सीनेशन की शॉर्टेज थी, इसीलिए वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहा था सबका। लेकिन फाइनली दोस्तों, अपने दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की ओर से एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है। उन्होंने बताया अभी दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का स्टॉक आ चुका है प्रॉपर वे में और यहाँ पे अगले 1 हफ्ते के लिए वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको वैक्सीनेशन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा उसके ऊपर मैं आपको चलिए मोबाइल स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखनी है ताकि आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है cowin.gov.in और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। थोड़ी देर आप वेट करेंगे, कुछ इस तरह से आपको गूगल सर्च रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको सिंपली करना क्या होगा, रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कुछ इस तरह से पेज एक लोड होकर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलता है रजिस्टर और साइन इन योर सेल्फ, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। आपको उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आप वेट करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, वेलकम लेटर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 4 मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं सिंगल मोबाइल नंबर पर। आपको सिंपली करना क्या होगा, रजिस्टर मेम्बर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर मेम्बर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उस मेंबर की आपको डिटेल एंटर करनी होगी। डिटेल में सबसे पहले फोटो आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे फोटो आईडी कार्ड में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनसीआर स्मार्ट कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। देन आपको यहाँ पे नेम एंटर करना होगा जो कि डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपके है। नेम एंटर करने के बाद से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ की ईयर एंटर करनी होगी, यानी कि जो आपकी साल है, डेट ऑफ बर्थ की जन्मतिथि की, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ ईयर एंटर करने के बाद से आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, एक मैसेज भी आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऑप्शन आपको दिया गया है ऐड मेंबर का, इसके ऊपर क्लिक करके आप सेम डिटेल फिल करके एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, शेड्यूल पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक पॉपअप देखने को मिलेगा शेड्यूल नाउ का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको ऊपर 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना एरिया सर्च कर सकते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा, अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना होगा। एरिया पिन कोड एंटर करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। सर्च पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आप सर्च को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, 18+, 45 ईयर प्लस, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए या कोवैक्सीन के लिए या कोवैक्सीन के लिए पेड या फ्री। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया जाता है। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आगे की जो यहाँ पे डेट है उसमें वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं। अगर वैक्सीन अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने लोगों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर नहीं होगी तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनए करके ऑप्शन आ रहा है। अगर स्लॉट बुक होगा या फुल होगा तो आपको यहाँ पे बुक्ड का ऑप्शन रेड कलर का शो होने लग जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फुल्ली बुक्ड शो होने लग जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे 18+ लोगों के लिए वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है, लेकिन यहाँ पे भी जो स्लॉट है कम्प्लीटली फुल है, इसीलिए यहाँ पे एनए करके आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे नो सेशन अवेलेबल करके दिखाया जा रहा है, यानी कि स्लॉट जो है कम्प्लीटली फुल हो रखा है आने वाले डेट के लिए। राइट साइड में आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप आगे के डेट में देख सकते हैं कि वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने यहाँ पे आगे का डेट यहाँ पे सेलेक्ट किया है।
आने वाले आगे की डेट में जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर करके शो होने लग गया है, यानी कि यहाँ पे जो वैक्सीन है अवेलेबल है, आपको सिंपली करना क्या होगा, अगर ग्रीन करके शो होने लग जाए तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे सबसे ऊपर कुछ इस तरह से एक पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी टाइमिंग स्लॉट चूज़ करने का ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप किस टाइम पे जाके अपना वैक्सीन करवाना चाहते हैं। यहाँ से आपको अपना टाइमिंग चूज़ करना होगा। टाइमिंग चूज़ करने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका वैक्सीनेशन सेंटर है कौन सा है, कहाँ पे है, आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, किस डेट को लगाई जाएगी, किस टाइम पे लगाई जाएगी, सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। आपको अब करना क्या होगा, जो यहाँ पे एक कैप्चा शो हो रहा है इसे आपको यहाँ पे एंटर करना है एंटर सिक्योरिटी कोड में। कैप्चा एंटर करने के बाद से आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारा अपॉइंटमेंट है सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पे एक मैसेज भी आ चुका है अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक होने का। और आपको अब करना क्या है, जो ये अपॉइंटमेंट स्लिप है आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड करके रख लेना है। इस तरह से पॉपअप आएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देन आपको इसे क्लोज कर देना होगा। तो ये प्रोसेस होगा इस अपॉइंटमेंट को बुक करने का। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करके जब आप इस पेज पे आएंगे तो अगर आपको उस डेट पे प्रॉब्लम है, जिस डेट पे आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है, आपको कहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, रीशेड्यूल पे क्लिक करना होगा। रीशेड्यूल पे क्लिक करके आप चाहें तो दोबारा से यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करके अपना वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाली स्लिप डाउनलोड करी है, ओपन करने के बाद से कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगी। और अपॉइंटमेंट वाले डेट पे आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे इसे कैरी करना है, इसे लेके जाना है। इसी की हेल्प से आपका वैक्सीनेशन होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं कैसे वीडियो से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।